बड़ी मां से स्तन से दूध पिलाने की जिद की। वृद्ध बड़े माताजी ने जैसे ही उनके मुख में अपना स्तन दिया, वृद्ध बड़ी मां के स्तनों से दूध की धार बह निकली और बड़े पिताजी ने आके मां के चरणों में अपनी पाग उतार के रखी। कहा, मां इस तरह ही हमारे ऊपर कृपा बना के रखना, इस तरह ही हमारे ऊपर दया दृष्टि स्नेह वृष्टि बरसाते रहना। आप अपने जीवन में, हम सब लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं कि कब किसने हमें क्या कहा और उसका क्या अर्थ होने वाला है। मां जिसको जो फरमा दे वो तो पूरा होना ही होना है, उसको तो कोई भगवान भी टाल नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें शक्तियों से देवियों से दर्शन तक ही सीमित रहे, देवियों से दर्शन तक ही सीमित रहे। और जो कभी कुछ मांगना हो तो चुपचाप सीधे सादे संयत शब्दों में रोते हुए विलखते हुए बालकों की तरह मां से मांग लेने, उस ओर नहीं जाए कि हम इनसे कुछ भी बात कर ले, हम इनको कुछ भी कह दें, क्योंकि उनके मुख से निकले हुए शब्द राम बाण होते हैं, उनको कभी कोई टाल नहीं सकता। और अगर हम पढ़े पुराने ग्रंथों में तो लिखा हुआ है, राजा जोगी अग्नि जड़ आकी उल्टी रीत, डलते रहना परशुराम जी ये थोड़ी बाड़े प्रीत। इनके ज्यादा प्रीत नहीं होती है। अगर कहीं आप ज्यादा मुंह लग गए और आपने कहीं कुछ गलत कह दिया और इन्होंने कुछ कह दिया तो वहीं पे आपका सारा सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। मां करण जी के अवतार में एक बात थी, एक शब्द में एक बात बताता हूं। मां करणी जी के जो चार पुत्र थे उनमें से एक पुत्र ने देशलोक में एक बहुत बढ़िया पानी के लिए कुआं बनवाया और मां से पूछा कि मां इसका क्या नाम रखें। मां करणी जी ने कहा, देशलोक में जो भी चीज होगी आपके पिताजी के नाम पे रहेगी, देवपा जी के नाम पे रखो। उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हारा नाम रखता, देशलोक के थे जिद्दी होते हैं देवपा, मैं तो मेरा नाम रखूंगा। मां ने फरमाया, नहीं तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरे पिताजी के ही नाम से रखना है। बेटे थे मुंह लगे हुए थे मां के, उनको क्या पता कि क्या बात होती। उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं मैं तो मेरा ही नाम रखूंगा। और मां ने एक शब्द कहा, थारो ही नाम राख सी, हाँ जना राख। मां ने इतने कहा, जना राख, जितना कुआं खोदना था खोद लिया, उसमें केवल राख ही निकली और कुछ भी नहीं, क्योंकि मां ने फरमा दिया भाई जितना राख। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको कभी भी व्यक्ति को
देवी देवताओं के मुख से बुलवाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें साईं मां के अवतार में भी हुई है। मां के एक बड़े भक्त भी थे, दातारामगढ़ के आसपास के थे कोई, तो उन्होंने मां से प्रार्थना की, मां मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। तो मां ने फरमाया, भाई मां काई मांगना था रे? उसके क्या हो रहा था, वो भी एक कुएं का निर्माण कर रहा था और उसको ये था कि मुझे कुछ ऐसा कोई धन संपत्ति कुछ मिल जाए, मां का आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ मैं प्राप्त कर लूं। वो सब कुछ कहना भूल गया और बोल गया अचानक से, तो मां मार दो बाठा आ जाए। बाठा मां क्यों ठीक है जा, बाठा ही नहीं कभी था रहे। जिस कुएं में पानी निकलने वाला था उसमें पत्थर आ गया और ऐसा मतलब बेतोड़ पत्थर आया कि आज तक उसने उस कुएं में तो दोबारा खुदाई करने का किसी ने माना सीख। फिर वो जब दोबारा आया तो कामदार जी ने उससे पूछा, रे कहां तुम्हारा मार तो कोई बाठो आए तो जो सारा मांगे बाठाई आ जाता है बाठाई आता है। मां के पास आके भी तूने ये क्या मांगा, जो चीज आप मांगोगे वही मिलेगी, जैसा आप शब्द कहोगे वैसे ही शब्द आपको मिलने वाला। हमारे यहाँ जीण माता जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। जीण माता बहुत बड़ी महाशक्ति हुई है, ऐसी महाशक्ति जिन्होंने सारे देवी देवताओं के मंदिर तोड़ते हुए औरंगजेब को पर्चा दिया था और औरंगजेब ने जीण माता जी के मंदिर में आके ही ये कसम खाई थी कि मां आज के बाद में किसी हिंदू देवी देवता के मंदिर को तोड़ना तो दूर उसकी तरफ देखूंगा। इतनी बड़ी बड़ी मधुमक्खियां बना करके उन्होंने औरंगजेब की सेना पे छोड़ दी थी, जिनको भंवरा मक्खी कही जाती है और जीण माता जी को भंवरों की रानी कही जाती है। ऐसी महाशक्ति जीण माता के दरबार में औरंगजेब को पर्चा मिला और औरंगजेब ने यह प्रार्थना की कि मां आज के बाद आपके दीपक की ज्योति के लिए जो तेल होगा वो मेरे खजाने से होगा। जब तक मुगल शासन था मुगलों ने जीण माता के मंदिर के तेल के लिए व्यवस्था की। मुगलों के बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों के राज्य की राजधानी से जहां भी होती थी वहां से जीण माता के मंदिर के लिए तेल की व्यवस्था होती थी और आज भारत सरकार के देवस्थान विभाग से जीण माता के मंदिर के तेल के लिए पैसे आते हैं। ऐसी महाशक्ति जीण माता के मंदिर में। मैं क्यों उद्घृत कर रहा था जीण माता जी का नाम आपके यहाँ पे, एक बार जीण माँ के मेले में हम गए हुए थे, हमने वहां पे एक भजन सुना और भजन भी डीजे पे बज रहा था बहुत जोरदार। आप देखो आप माता जी से क्या मांग रहे हो, आपके शब्दों में ध्यान दो, अगर आप ऐसी चीजें मांगोगे तो आप ऐसी चीजें मिलने वाली है। माता जी के मंदिर में जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है, भजन गा रहे हैं, माता जी का मेला माई भीड़ तगड़ी, धक्का आगे पाछे ला गया चोरी हाथों की झड़ी। माता जी का मंदिर में जा रही थारी चुड़ियां जड़गी तो फेर भाई थारी चुड़ियां कोई बचा बड़ो है। शब्दों में तो ध्यान दो किससे क्या मांग रहे हो। माता जी का मेला माई भीड़ तगड़ी, धक्का आगे पाछे ला गया चोरी हाथों की झड़ी। माता जी की जा रही जड़गी तो बात चुड़ियां कौन बचाओगी, तो कोई बचाओ राम जी गुण जी की माता जी के जारी चढ़ जाओ। तो ऐसे शब्दों पे जरूर ध्यान दें। शब्दों की बात बता रहा हूं मां के अवतार चरित्र में। आपको बाल्यकाल में चारणवास में एक ऐसा वृक्ष, बबूल का बड़ा वृक्ष, जिसके नीचे मां अपनी सहेलियों के साथ रमते थे खेलते थे, बहुत गहरी छाया वाला वृक्ष था। वहां पे गाय बैठती थी, गायों को छाया मिलती थी। उसी गांव का एक मंगला नाम का खाती उसने उस वृक्ष को खरीद लिया काटने के लिए। मां ने उसको समझाया, बहुत बाल्य अवस्था में थे, 7-8 साल के रहे होंगे, अरे मंगला इन मत काटे, इसके नीचे मैं खेला भाई और गांव की गायें बैठे हैं, इसे थारे गायों जैसी नहीं मत काटूंगा। वो मान ही नहीं रहा भाई कोई देवी है सकती है।